बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही चटपटी सी चने और आलू की चाट। आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल इसका फ्लेवर बाज़ार की चाट की तरह होगा, तो आप इसको स्किप किए बगैर देखिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो जल्दी से हम इसकी रेसिपी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने चने बॉईल कर लिए थे, ये मेरे पास 2 कप चने हैं। इसमें बस हमने नमक डाल करके तो इनको बॉईल कर लिया है। और ये मेरे पास 1 कप आलू हैं, चने इसमें ज़्यादा होने चाहिए तभी मज़े की बनेगी। तो 2 कप चने लिए हैं और 1 कप आलू, और इसमें 1 मीडियम साइज़ की हमने बारीक प्याज काट के शामिल कर दी है। और अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे। इनके बीज को आप रिमूव कर दीजिएगा और इनको छोटा छोटा काट के तो आप शामिल कर दीजिए। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाली हैं, और कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प, तो ये मेरे पास 1 कप के करीब है इमली का पल्प। इमली को आप पानी में भिगो के तो अच्छी तरह से मसल कर इसका पल्प निकाल लीजिए, और इसको आप चाहें तो छान लीजिए, तो मैंने छाना हुआ है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स। इस चाट में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और 1/2 टीस्पून इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए, जस्ट चाट मसाला शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबलस्पून आमचूर का पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1/2 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। चनों में भी नमक है तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया है मैंने, और दही आप कम या ज़्यादा अपने मर्ज़ी से शामिल कीजिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप के करीब दही शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने, तो अब इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। ये देखने से ही बहुत ही यमी यमी लग रही है, और बनी भी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार थी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स मैंने बचाए हुए थे डेकोरेशन के लिए, वो डाल देंगे। चने और प्याज, आलू, टमाटर, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने बचा ली थी, वो अब ऊपर से डालेंगे। तो आलू भी थोड़े से शामिल कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना और हरा धनिया भी ऊपर से डाल देंगे। इससे देखने में आपकी चाट और भी मजे की लगेगी। तो थोड़ा सा दही हम इसके ऊपर अगेन शामिल कर देंगे, और अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च चिली फ्लेक्स वो स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू और चने की चाट रेडी हो गई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ बेल के साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसमें इस चैनल पे आपको बहुत ही इजी और यमी सी रेसिपी देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।